नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 9:12 में, जो कि 9 अप्रैल 2:22 में कंप्लीट होगा, जो कि 5:10 का ग्रहण होगा। ये हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सूतक से रिलेटेड जितने भी नियम हैं उसमें से कोई भी लागू नहीं होंगे, और यहाँ पर पूजा पाठ से रिलेटेड जो नियम कानून है या पाबंदियाँ हैं वो सब भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर बात करें ग्रहण कहाँ पर विजिबल होगा, तो पश्चिमी यूरोप में विजिबल होगा, पैसिफिक, आर्कटिक, अलास्का को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका में, अंटार्कटिका में होगा, मैक्सिको में होगा, कनाडा में होगा, आयरलैंड में होगा, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगा। अगर बात करते हैं ग्रहण की, तो मीन राशि में रेवती नक्षत्र में पूर्ण रूप से ग्रहण हो रहा है। तो सूर्य, चंद्रमा, राहु और शुक्र, ये चारों की युति भी है। और अगर बात करें तो राहु और केतु का अक्ष जो है वो मीन और कन्या राशि में प्रभावशाली होगा। अगर बात करते हैं सूतक की, तो क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर सूतक काल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पूजा से संबंधित कोई भी वर्जित नहीं है कुछ भी ना। यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं जब सूतक लगता है तो खाना नहीं खाना है या खाना नहीं बनाना है या भगवान के मंदिर को नहीं छूना है, गर्भवती स्त्री नहीं इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट करें, साफ चीज़ से कोई काम नहीं करना है या शमशान के आसपास नहीं जाना है या शांत जगहों में जहाँ पर कोई लोग नहीं है या कम लोग हैं वहाँ नहीं जाना है। कोशिश करके बाउंड्री वॉल के अंदर, जैसे घर के अंदर ही रहना है। ये सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ पे ना तो ग्रहण हो रहा है ना सूतक काल हो रहा है, तो ये यहाँ के लिए तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। परंतु अगर हम बात करते हैं ज्योतिष पक्षों की, तो राशियों पर इसका प्रभाव ज़रूर रहता है। अगर बात करती हूँ मेष राशि की, तो मेष राशि में और सभी राशियों के लिए मैं पहले एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि 15 दिन का जो समय है, जो सूर्य ग्रहण लग रही है, इसे जो 15 दिन का समय है, मतलब कल से शुरू करके 15 दिन तक, इन सारी चीज़ों की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अगर मेष राशि की बात करूँ तो मेष राशि का स्वास्थ्य और करियर दोनों ही चिंताग्रस्त हो सकता है। इनको चाहिए कि जैसे कल जब ग्रहण लगेगा और परसों जब ग्रहण ओवर होता है तो गुड़ और गेहूं का दान करेंगे। बात करती हूँ वृष राशि की, तो करियर और आर्थिक सफलता इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी समय इनके लिए, और ख़ास तौर से इनको ज़रूरत है कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर बात करती हूँ मिथुन राशि की, तो करियर में उनको काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उनको गुड़ का दान करना चाहिए। बात करती हूँ कर्क राशि की, तो जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और तांबे के बर्तन या फिर किसी लोटे का दान करें ग्रहण के बाद। अगर बात करती हूँ सिंह राशि की, तो महत्वपूर्ण निर्णय अभी ना लें और उनके लिए करियर में सावधानी रखने का समय है, गुड़ और गेहूँ इसका दान करें। बात करती हूँ अगर कन्या राशि की, तो इनके लिए जोश में कोई काम ना करें, चोट से बचें, सावधानी के साथ यात्राएं करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये ग्रहण के बाद आटे का दान करें। तुला राशि की बात करूं तो स्वास्थ्य और धन में काफ़ी वृद्धि होगी और शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए, तो इनके लिए करियर और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखने की काफ़ी आवश्यकता है और इनको चाहिए ये गुड़ और गेहूँ का दान करें। अगर बात करती हूँ धनु राशि की, तो धनु राशि का स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर थोड़ी सी भी आपको गैस, एसिडिटी या थोड़ा सा भी शरीर में कहीं दर्द रहता है या सर में दर्द रहता है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं और सारे जांच पड़ताल कंप्लीट करें। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप गुड़ और गेहूँ का दान करें। मकर राशि के लिए धन बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, करियर में नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगे, आपको चाहिए कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए, तो स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याएं काफ़ी बढ़ेंगी और इनको चाहिए कि तांबे के बर्तन या लोटे का दान करें। अगर मीन राशि की बात करूँ, तो वाद विवाद, दुर्घटना, लापरवाही, इन सब से बचें और वैवाहिक संबंध में अगर कोई भी मनमुटाव है तो आने वाले 15 दिनों तक गलती से भी किसी भी टाइप के मतभेद या डिबेट में ना जाएं, क्योंकि इसका आपको भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है, तो आप आटे का दान करें। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी, जब आप सबने स्टोरी सुनी होगी, जब समुद्र मंथन होता है उसमें से अमृत निकलता है। अब भगवान चाहते हैं कि ये अमृत देवताओं को पिलाया जाए और राक्षसों को न पिलाया जाए। अब कहीं ना कहीं स्वर भानु करके नाम के एक राक्षस थे जिनको ऐसा लगा कि वो तो देख लिए कि शायद नारायण है जो मोहिनी रूप में सब देवताओं को अमृत पिला रहे और उनको नहीं पिला रहे हैं राक्षसों को, तो उन्होंने देव का रूप धारण किया और देवताओं के बीच में बैठ जाते हैं। तो जब नारायण जब मोहिनी रूप में जब उनको
पिलाते हैं अमृत, तो वो समझ पाते हैं कि अरे ये तो कोई देव नहीं है, तो कोई राक्षस है। तो भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। जब वो सर काट देते हैं तो क्योंकि पर वो अमृत पी चुका है तो स्वरभानु की मृत्यु नहीं होती है, वो दो भाग में बट जाता है। सर वाला हिस्सा राहु हो जाता है और नीचे की बॉडी जो हो जाती है वो केतु, और दोनों दो अलग प्लैनेट्स जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, दो अलग प्लैनेट्स के रूप में हमारे ज्योतिष जगत में प्रख्यात है। अब अगर बात करूँ राहु की, तो राहु टाइम ऑन सूरज को ग्रसित कर लेता है, खा लेता है। तो इस सूर्य ग्रहण में राहु का प्रभाव ऐसे रहता है कि वो सूर्य को खा लेता है, अपने अंदर निगल लेता है। तो ये जो समय जो 5 घंटे 10 मिनट का है ग्रहण में, इस समय राहु का प्रभाव रहता है, वो सूर्य को ग्रसित कर लेता है। और आज के डेट में हम सब मार्केटिंग मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं और सब डिजिटल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ही होता है कि हम सब राहु से गवर्न्ड है। तो जो भी अगर हम अपने जीवन में उपलब्धियां करना चाहते हैं, ग्रहण के समय एक अच्छा समय होता है मंत्र सिद्धियों के लिए। तो राहु का मंत्र जाप करें, ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सब